साहब एक लोहार होता है, बड़ा नेक इंसान, पर उसका अंतिम समय आ जाता है और देवदूत उसे लेने आता है। तो वो देवदूत को बोलता है, देवदूत बोलता है भैया तुम्हारा समय हो गया, चलो मेरे साथ। तो वो बोलता है कि यार मुझे चलने में कोई एतराज नहीं है, पर पूरे 40 किलोमीटर के एरिए में मेरे अलावा कोई लोहार, और ये फसलों का टाइम है, हमारे किसान भाइयों को औजार ये सब ठीक करने पड़ेंगे, और मेरे अलावा कोई इधर। तो भगवान को पूछ क्या, मेरे को साल दो साल का टाइम। भगवान के पास देवदूत जाता है कि वो बंदा टाइम मांग रहा है। भगवान ने बोला जो किसी और का हेल्प करे, को किसी और की सेवा करे, उसको तो टाइम, तो साल डेढ़ साल का उसको। फिर दो साल बाद वापस देवदूत आया कि भैया अब ये गाड़ी पैक करो। तो बोला कि यार मेरे को करना है, मेरे को साथ चलना है, पर जो मेरा पड़ोसी है ना वो बीमार है, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उसकी बीवी भी बीमार रहती है, उसकी फसल उगी हुई है, अगर इस समय मैं उसकी हेल्प करूंगा और फसलें निकाल लूंगा तो वो बेचारा, तो पूछ के आ जा। भगवान के पास गया तो भगवान ने कहा दुनिया में ऐसे लोग कम हैं जो दूसरे की पीड़ा उसको दो साल। और ऐसे करते करते उसने 30 से 40 साल निकाल दिए लोगों की सेवा। जब बूढ़ा हो गया तो उसने क्या किया, भगवान को फोन किया कि भगवान मुझे ले जाओ, अपना अभी शरीर कोई काम का। तो वो देवदूत बोला के साहब अब तो इंक्वायरी रिटर्न आ रही है, अपने को लेने आ रहा है। तो भगवान बोले कि ऐसे इंसान को लेने तो मैं खुद जाऊंगा। तो भगवान स्वयं आए, भगवान सब जब यहां आए, भगवान ने बोला तो ये बोला कि साहब मुझे स्वर्ग में ले चलो, मुझे बोले अभी भी तेरे को स्वर्ग की जरूरत है। बोले क्यों, कि तू 30-40 साल से जो कर रहा था ना वही स्वर्ग है, जो 30-40 साल से तू कर रहा था ना। हमारे स्वर्ग में भी देवता एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये काम करने के लिए हम इनसे, मैं भगवान या इंसान के रूप में पैदा होता हूं कि लोगों की पीड़ा हर सकूं। तो साहब आपको इंसान का जीवन मिला है, हम लोग यहां बैठे हैं, हमारे भाई यहां बैठे हैं, ध्यान रखना बॉस, हम लोग सूट बूट में हैं पर अंदर से कई बार हो सकता है कि हम टूटे हुए हों। तो बॉस कोई गाड़ी बंगला नहीं देना है, कि कोई एटीएम कार्ड नहीं देना है, सिर्फ इतना हाथ रख के बोल देना है यार भाई कोई काम हो तो मुझे बताना, कोई मदद हो तो मुझे बॉस, इतना आप कहोगे। बहने आप बैठी हो, आपको लगे कि कोई बहन पिछले 10 फंक्शन में एक ही साड़ी पहन के आ रही है, कि उसका मंगलसूत्र 20 साल पुराने घाट का है ना, तो अपने पति को जाके बोलना कि देखना ना अपना भाई कहीं तकलीफ में तो नहीं है, उसकी कहीं हेल्प तो नहीं हो सकती। साहब जीवन में प्राण तो बहुत लोगों ने दिए, पर इंसान बनना मुश्किल है, इंसान बनते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।